अनमोल विचार। पॉजिटिव कोट्स जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच को जन्म देते हैं, क्योंकि हमें सफलता के मार्ग पर बढ़ने को प्रेरित करते हैं। यानी जीवन में वही लोग अक्सर सफल होते हैं जो पॉजिटिव कोट के मार्ग में चलते हैं। तो आइए हम यहाँ ऐसे ही कुछ पॉजिटिव कोट्स आपके बीच शेयर कर रहे हैं, जिन्हें पढ़कर आप भी प्रेरणा ले सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए इन पॉजिटिव कोट को जानते हैं। नंबर वन, इस दुनिया में माँ ही ऐसी होती है जो निश्चार जीवन भर आपको चाहती है और कभी भी अपने संतान को दुखी नहीं देख सकती है, इसलिए हम सभी को अपनी माँ के सम्मान में कभी भी कमी नहीं लानी चाहिए। नंबर टू, अक्सर हमें लगता है कि हमारे पिता हमें हमेशा डांटते हैं। ये हो सकता है कि हमें ऐसा लगता है, लेकिन कभी भी उनकी डांट हमें किसी बात के लिए होती है, ये जरूर सोचना तो पता लगेगा कि वे हमारे भविष्य की चिंता को लेकर ही डांटते हैं। तो कभी भी हमें पिताजी की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। जब हम छोटे होते हैं तो हमें लगता है कि हम बड़े होकर खूब दूर जाकर खूब कमाएंगे, लेकिन जब हमारे ऊपर अपने परिवार को चलाने की जिम्मेदारी आ जाती है तो हम फिर अपना वही घर याद करते हैं, क्योंकि वहाँ हमें वो सुख सुविधा मिली होती है जो हमें खुद जुटाना पड़ता है। इसलिए हमें अपनी मातृभूमि को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। नंबर फोर, जब हम अपने गांव में रहते हैं तो अपनी भाषा का महत्व उतना नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जब बड़े होकर दूर प्रदेश जाकर कमाने लगते हैं तो वहाँ अपनी भाषा में बोलने वाले लोग और अपनी भाषा प्यारी लगने लगती है। इसलिए हमें अपनी मातृभूमि से हमेशा लगाव रखना चाहिए। नंबर फाइव, हो सकता है हम बहुत कमाते हैं, लेकिन जब जो व्यक्ति जितना अधिक कमाने लगता है वह लोगों की पहुंच से दूर होता चला जाता है, फिर उसे ज़िंदगी की वो तमाम अनुभव का लाभ नहीं ले पाता है जो लोगों से मिलती है। इसलिए हमें चाहे कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों ना हो जाएं, लेकिन लोगों से लगाव और लोगों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ज़िंदगी में कभी भी किसी भी मोड़ पर रिश्तों की अहमियत ही इंसान की ज़रूरत होती है, और यदि हमारी ज़िंदगी में कोई रिश्ता ना हो तो लाख चाहे लोगों के बीच में हुए भी तो खुद को अकेला महसूस करते हैं। इसलिए हमें अपनी रिश्तों को बहुत ही अच्छे ढंग से निभाना चाहिए। नंबर सेवन, जो व्यक्ति दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे आता है उसे निश्चित ही अपनी ज़िंदगी में लाख परेशानी आ जाए, लेकिन वह विचलित नहीं हो सकता है, क्योंकि उसे अपनी इन परेशानियों से मदद के लिए कोई ना कोई ज़रूर आ जाएगा। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में जब भी मौका मिले दूसरों की भलाई करने से कभी चूकना नहीं चाहिए। नंबर एट, यदि हमें कोई अपना ना मानता हो और ना ही हमारे बातों पर कभी सहमत होता हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जब जो दूसरों के मदद के लिए कर रहे हो उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही हमारी मदद करने की भावना एक दिन सबको अपने फेवर में जरूर लेगी। किए गए हर कार्य के बदले हमें लाभ हो ये जरूरी नहीं है, हमारे किए गए कार्यों को आगे चलकर फायदा हो मन में ऐसी भावना रखकर हमें कार्यों को करना चाहिए। नंबर टेन, लोगों को सलाह यानी एडवाइस देना बहुत ही आसान होता है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो हमें फिर उस कार्य को करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। इसलिए हमें अपनी लाइफ में दूसरों को समझाने से अच्छा खुद उन कार्यों पर अमल करना चाहिए। नंबर 11, लोग जितना हमसे अपेक्षा करते हैं उससे ज़्यादा ही हमें उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अवसर सबके लिए समान होते हैं तो उन अवसरों का हमें भरपूर फायदा उठाना चाहिए। नंबर 12, अगर हम आलस्य करना छोड़ दें तो हमारी ज़िंदगी की आधी परेशानियां ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी। नंबर 13, अगर हम सभी अपनी लाइफ का उद्देश्य बनाएं तो निश्चित ही अपनी ज़िंदगी का महत्व समझ में आ सकता है और अपनी लाइफ में हमें प्यारी लगने लगती है। नंबर 14, हो सकता है लोग हमारी आलोचना करते हों, लेकिन उन आलोचनाओं के बारे में अच्छे से सोचकर उसे दूर करने का प्रयास करें तो यही आलोचना करने वाले लोग हमारे सच्चे मार्गदर्शन हो सकते हैं। नंबर 15, ज़रूरी नहीं हर इंसान हर सुख सुविधा में पैदा हुआ हो, लेकिन जो अपने कर्म पर विश्वास करते हैं वे निश्चित ही अपने कर्मों के बल पर दुनिया की सारी सुख सुविधा जुटा सकते हैं।
नंबर 16, हारने का डर सबको होता है, लेकिन जो इन हार की परवाह नहीं करता है वो निश्चित ही अपनी लाइफ में जरूर सक्सेस होता है। इसलिए हमें कभी भी अपने मन में हार का भय नहीं रखना चाहिए। तो आपको इन पॉजिटिव कोट्स से प्रेरणा लेनी चाहिए और जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता खुद से बनाना चाहिए, तभी सफल जीवन बना सकते हैं।